छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद जिले का दौरा किया है, जहां उन्होंने ग्राम कलगपुर में आयोजित प्रांतीय कलार महोत्सव में शामिल हुए, जहां सीएम भूपेश बघेल को समाज के लोगों ने लड्डुओं से तौलकर उनका सम्मान किया। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज स्तर पर कई परंपरा को खत्म करना चाहिए, जैसे विधवा औरत को अपने बेटे का सहरा सजाने का अधिकार हो, क्योंकि समाज में सभी को समान अधिकार है, समाज में सभी बराबर होते हैं। बालोद जिले के मंच से मुख्यमंत्री ने केंद्र और भाजपा पर हमला बोला और इशारों में कहा कि जब हम किसानों के लिए काम करते हैं तो हमारे साथ इसे रेवड़ी कहते हैं, ये रेवड़ी नहीं छत्तीसगढ़ की रबड़ी है, किसानों के लिए इतना तो करना ही चाहिए, ये कोई रेवड़ी नहीं है, हम ऐसे काम कर रहे हैं कि गाँव स्वावलंबी बनने की ओर बढ़े। तो सीएम बघेल ने कहा कि किसानों के खाते में लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में रामायण मंडली के माध्यम से अच्छा वातावरण बना है, वहीं प्रदेश में छेरछेरा पुन्नी पोला ओलंपिक के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति और रीति रिवाज को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने एक समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सबकी भागीदारी जरूरी है। कलार दक्षिणा समाज का सम्मेलन और इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, एक तो महापौर का गठन किया जाएगा और दूसरा बहादुर कलारिन जो समाज के आराध्य देवी है और उन्होंने जिस बहादुरी से जो कार्य किया और समाज के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए जो बहादुरी के काम करेंगे ऐसे सदस्य को बहादुर कलारी सम्मान दिया जाएगा।